हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर छोटा छोटा डिजाइन बताऊंगी। बेबी डिजाइन है, इसको आप स्वेटर में, कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने रेड कलर की 6 सिलाइयाँ डाली हैं। आगे कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले हम रेड कलर से 3 फंदे बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा वाइट कलर से लेंगे, फिर 3 फंदे। ये देखिए, 1 2 3, 3 फंदे फिर रेड कलर से लेंगे और 1 फंदा व्हाइट कलर से लेंगे। 1 2 3, एक फंदा रेड कलर से। 1 2 3, 3 फंदे रेड से, एक वाइट से। पूरी रो को हमने इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। ये देखिए, थ्री फंदे, 1, अब यहाँ भी 1 बच गया है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने अपनी 7 रो डालनी है। 6 रो हमने यहाँ पर सिंपल बनाई है। अब आगे ये जो रेड कलर का फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, और ये व्हाइट कलर का फंदा है जो, इसको रेड बुनेंगे। इस फंदे को हम व्हाइट बुनेंगे, इस फंदे को रेड बुनेंगे, इस फंदे को व्हाइट बुनेंगे, यानी कि एक फंदा रेड और एक फंदा व्हाइट। इस प्रकार से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा रेड का और एक फंदा व्हाइट का। जो फंदा हमने व्हाइट कलर का बुना था, अब वो फंदा हमारा रेड का बन गया। इस प्रकार से बनाएंगे। अब थर्ड सिलाई, ये देखिए, आगे ये फंदा ऐसे स्लिप किया, ये फंदा भी ऐसे बुना। जो व्हाइट फंदा है, इसको अब रेड बनाएंगे, और जो ये रेड बना हुआ है, इसको हम व्हाइट बनाएंगे ऐसे। अब बीच में वापस 3 फंदे रेड और 1 फंदा व्हाइट, 3 फंदे रेड, 1 फंदा व्हाइट। बहुत सिंपल है, और बनने के बाद फुल स्वेटर में भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए आप, 3 फंदे रेड, 1 फंदा व्हाइट। ये सिर्फ 3 सिलाइयाँ हैं, यानी कि 3 रो इस प्रकार से बनेंगी। और ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से सिलाइयाँ डाल सकते हैं। 6 बनानी है, 4 बनानी है, या 8 बनानी है, ये सिलाइयाँ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए,
ऊपर अब हम एक कलर से बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर एक कलर से बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 6 रो सिंपल इसी प्रकार से बनाएंगे, और ये बनने के बाद कैसे लगेगा ये देखिए। ये हमारा डिजाइन बनने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखिए आप, बहुत सुंदर स्वेटर बना। और इस प्रकार से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। 2 कलर में ये आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखिए।